जो हम इसका प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, ये ग्रामीण मतलब MMGKY मुख्यमंत्री ग्रामीण कौशल योजना के तहत इस कार्य को करते हैं, जिसमें 5 महिलाओं को यह प्रशिक्षण दिया जाता है। ये ट्रेनर होती है, जो मैं ट्रेनर हूँ उनके, और यह हमारा 3 महीने तक चलता है। 3 महीने हम महिलाओं को ये सिखाते हैं, उसके बाद जो है हमें आजीविका का भी मतलब हम अपने खुद सेल्फ डिपेंड हो पाती है महिलाएं इसमें, और सरकार की तरफ से इन महिलाओं को भी 3-3 हज़ार पर मंथ दिया जाता है, ताकि वह अपना आगे स्टॉल लगा सके, कुछ भी अपना सामान बेच पाए। कहाँ पे आप लोग स्टॉल लगाते हो? इसके लिए भी हमें सरकार द्वारा ही जो कनोपियाँ दी जाती है, जैसे धर्मपुर है, या धर्मपुर में फिर कसौली हो गया, स्पाट हो गया, या फिर जो मेले लगते हैं उन मेलों में हम अपनी वीकली भी लगाते हैं और मेलों में भी लगाते हैं, जिसका खर्चा पूरा सरकार ही देती है। ठीक है, तो अभी आपने क्या क्या चीज़ें बना दी हैं? यहाँ जो ये सामान है, इसमें हमारे पूजा की टोकरी है, फ्लावर पॉट है, और पेन स्टैंड है, चिल्डर बॉक्स है, और छोटी छोटी जो हमारे ये छोटे से इन्होंने कप बनाए हुए, ये भी, और इसमें फ्रूट ट्रे है और टी ट्रे, ये सारी चीज़ें हम इनको सिखाते हैं। लोगों की तरफ से कोई डिमांड आई आपके पास कि हमको ये हाँ चीज़ जी, ये अब चाहिए? तो ऐसे तो है, अगर हम 1-2 बार स्टॉल लगा लें तो उसके बाद हमें डिमांड ही बहुत आती है, घर से ही करना पड़ता है। इसीलिए तो ये सरकार हमें देती है कि 5-5 लेडीज हर पंचायत से हो, ताकि वो आगे इस इन प्रोडक्ट को पूरा करके दे सके। मतलब आपके जितने भी ये प्रोडक्ट है इसकी डिमांड बहुत है? हाँ जी, बहुत है, इन चीज़ों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और जहाँ तो जो टूरिस्ट लोग आते हैं नीचे से, उन्हें तो यह चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आप इसको बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो? ये इसको बनाने के लिए हमें जो यहाँ हिमाचल में हमारी चील की पत्ती होती है, इसी से हम इसको बनाते हैं, और सिर्फ हम जो ये रीलें लेते हैं, ये खर्चा हमारा आता है। बाकी सुनिए, ये सबसे जो इसमें अच्छी बात है कि हम लोगों को इसमें खर्चा नहीं करना पड़ता ज़्यादा, ये है कि हमें यहाँ कुदरत से ये चील की पत्ती मिलती है, और इसी के द्वारा हम ये बनाते और हैं। जी रीले ये सरकार खर्चा दे रही है? अभी तो समझ लो कि सरकार ही दे रही है, क्योंकि पर मंथ ये 3 हज़ार देती है, अच्छा, इसलिए कि महिलाओं को अपनी तरफ से कुछ खर्चा ना करना पड़े, ताकि वो खुद सेल्फ डिपेंड हो सके, अपना कार्य खुद कर सके। तो आप रीले आप खुद खरीदती हैं? हाँ जी, ये हम खुद लाते हैं। रीलों में कितना खर्चा आ जाता है आपका? रीलों में ज़्यादा नहीं है, ये हमें 18 से 20 रुपए तक मिल जाती है एक रील, और इसमें हमारे अगर 2 रीलें लेते हैं तो इसमें हमारे 2-3 प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं। 2 रील में 3 प्रोडक्ट तैयार हो हाँ जाते जी, हैं या आपके? छोटे हैं तो 2 हो जाते हैं, जैसे बड़े अगर कोई चपाती बॉक्स है तो 1 प्रोडक्ट इसमें तैयार हो जाता है। आप हमारे हाँ दर्शकों जी, को ये भी साथ में बता दीजिए कि आपको जितने भी ये सामान अभी तक आपने बनाया, इसको बनाने में आपको कितनी मेहनत लगती है? इसमें मेहनत ही सबसे ज़्यादा लगती है, खर्चा कुछ नहीं है लेकिन मेहनत बहुत है। जैसे ये चपाती बॉक्स है हमारा, इसको बनाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, मतलब खर्चा तो कुछ नहीं है लेकिन मेहनत इतनी ज़्यादा है। इसका ये हम ढक्कन भी बनाते हैं 2-3 दिन, और जब शुरू में महिलाएं सीखती हैं, जैसे ये भी लोगों को 1 हफ्ता भी लग जाता है। कितने घंटे लगते हैं आपको एक बॉक्स बनाने में? हम 4 से 5 घंटे भी लगाते हैं, तो 8-10 घंटों में ये हमारे बनता है। कंटिन्यू तो हम कर नहीं पाते अच्छा लगातार, ठीक है, लेकिन अभी शुरू में जैसे ये लोग बना रहे तो इनको 1 हफ्ता भी इसमें लग जाएगा, 1 हफ्ता एक बॉक्स बनाने एक में। बॉक्स बनाने में, क्योंकि छोटी छोटी पत्तियां हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी चील की पत्ती है, अच्छा, जिसको यहाँ लोकल भाषा में श्रावण बोला जाता है, इन पत्तियों को एक एक करके हम करते हैं, मतलब लगाते हैं इसमें। ये देखो, इसके पीछे जो ये होता है, ये हमें निकालना पड़ता है इस तरह से। मेहनत बता रही हूँ कि मेहनत ज़्यादा लगती है इसमें। फिर ठीक जब ये निकल जाएंगे, पहले तो इसको हम हरी पत्तियों को सुखाते हैं, फिर इसके बाद इन पत्तियों को सुखाने के बाद उबाला जाता है, और उबालने के बाद इन पत्तियों में फिर ये पीछे से निकाल के फिर इसको यूज़ किया जाता है। फिर ये इसके लिए भी हमें ना ये गेज चाहिए होते हैं, इसमें लगाते हैं हम। जैसे ये मैंने इसमें लगाया हुआ, ये बराबर पत्तियाँ लगनी चाहिए इसमें। अच्छा, अगर ये कम ज़्यादा हो जाए तो भी फिर ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अच्छा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से ये सब चीज़ें काम करना होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें मेहनत ही बहुत ज़्यादा है। लोग अब हम जब इसको बोलते हैं तो कई बार बोलते हैं ये तो बहुत महंगा है, लेकिन अब हमारी मेहनत देखेंगे आप, शुरू से अगर देखते हैं, पहले पेड़ों में से निकाल के लाते हैं, फिर उसके बाद इसको सुखाया जाता है, फिर उबाला जाता है,
फिर उबालने के बाद इसके ये निकालने के बाद पेड़ भी आप पहाड़ में आप आसानी से मिलने मुश्किल है। पेड़ तो मिल जाते हैं लेकिन फिर उसमें हम पेड़ों में चढ़ नहीं पाते, या तो हमें एक एक पत्तियाँ चुननी पड़ती है या फिर किसी को बोल के कटवानी पड़ती है, वो फिर उसमें भी उसको भी दिहाड़ी देनी पड़ती है। अगर हम नहीं तो ज़्यादातर तो हम एक एक पत्तियों को ही चुनते हैं, महिलाएं जाती हैं चुन के लाती है फिर जाके इसको बनाते हैं हम। अच्छा, इसका भी कोई स्पेशल साइज़ होता है इन पत्तियों का? साइज़ तो नहीं इसका कुछ भी, क्योंकि इतनी साइज़ की होती है, इससे थोड़ी बड़ी हो जाएगी। लेकिन इसमें सर्दियों का और गर्मियों का और बरसात का थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। कैसे? क्योंकि अगर हम नेक्स्ट मंथ हम इसको चुनेंगे छोटी छोटी पत्तियाँ, तब ये थोड़ी बहुत ही ज़्यादा नुकीली होती है आगे से, जो हाथों में जानी है, मतलब दिक्कतें तो महिलाओं को बहुत आती है, पर ये है कि ये फ्री में मिल जाती है बस। और आपको और किस चीज़ का सामना करना पड़ता है? जैसे कई बार आप स्टॉल सड़क में भी लगाते होंगे कहीं पे, किसी ओकेशन के टाइम पे भी आप लगाते होंगे, तो लोगों द्वारा आपको किस तरह की भाषा आपके साथ प्रयोग किए जाते हैं, मतलब आपको अच्छे से सब ट्रीट करते हैं, या फिर कभी कुछ बोला हो, कभी कुछ किसी चीज़ का सामना आपने किया हो? बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया। जब शुरू में हम लोग ये लगाते हैं स्टॉल हम लगाते हैं, तो बहुत से गांव के लोग भी बोलते हैं देखो हमारी महिलाएं सड़कों में जाके बैठ गई है और क्या बना रही है ये, देखो इनको, मतलब हो ही जाता है कि ये घर से बाहर निकल रही है, इनको शर्म नहीं है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस एक प्रकार से उस टाइम लो कर जाते हैं सारे, हो जाता है। लेकिन इसी में हमें थोड़ा सपोर्ट हमारे जो ब्लॉग से होते हैं, हमारे सर मैम जरा वो बहुत सपोर्ट करते हैं कि आप लोग लोगों का मत सुनो, आपने रोजगार अपना बढ़ाना है तो अपना काम बाहर लाने के लिए हमें बाहर आना ही पड़ता है। घर से आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है? मेरे घर से तो पूरी सपोर्ट है, घर वालों की सपोर्ट की वजह से ही फिर हम बाहर के लोगों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फिर कुछ समय ऐसा आता है जब हम स्टॉल लगाते हैं और हमारा सामान बिकना शुरू हो जाता है तो हमें घर पर ही ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, फिर तो ये अकेले बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है ये सामान। इसीलिए ये जो MMGKY के तहत जो योजना है चलाई गई है, एक पंचायत में 5 लेडीज को ये प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी महिलाओं के लिए ये काम जो ये आसान नहीं है, जैसे लोगों को सामने दिखता होगा कि काफ़ी आसानी से बनाए जाती चीज़ें, ये बहुत आसान चीज़ें नहीं है। महिलाओं को भी इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी लोगों की सुननी भी पड़ती है, काफ़ी दिक्कतों से गुजर के, कई महिलाओं के घर में तो शायद मना भी होती होगी इस काम को करने के लिए, लेकिन वो फिर भी आपकी संस्था के साथ जुड़ी होती होगी। जी बिल्कुल, कई महिलाएं होती है बेचारी जिनको करने नहीं दिया जाता, लेकिन ये हो जाता है जैसे हमने ये प्रशिक्षण दिया, जैसे हमारे साथ ये महिलाएं जुड़ी है, अगर मान लीजिए इनमें से किसी को नहीं जाने देते हैं तो जो महिला आगे जा रही है वो सामान ले जा सकती है उनका। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमें वहाँ से भी बोला जाता है कि अगर आपका सामान नहीं बिक रहा है तो आप हमारे पास दे दो, ब्लॉक से भी ये चीज़ हमारे लिए मतलब कर ही देते हैं हमारी हेल्प की, चलो यहाँ से हम आपका सामान बेचेंगे। अभी तक आपको कहाँ कहाँ से ऑर्डर आए हैं? हमारे वैसे तो हमें लोकल तो बहुत ऑर्डर आते हैं, लेकिन जो हमारे मैक्सिमा कंपनी है यहाँ धर्मपुर में, उनकी बेटी है जो अमेरिका में रहती है, उन्होंने भी हमारे से बहुत सारा सामान ऑर्डर पे लिया हुआ। ज़्यादातर जो हमारे पेन स्टैंड है जैसे ये, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं पेन स्टैंड के लिए। अच्छा। छोटी टोकरियाँ जैसे पूजा की टोकरी, ये चिल्लर बॉक्स है और ड्राई फ्रूट बॉक्स भी, इसके लिए भी बहुत ऑर्डर आए हैं, जिससे हमें सबसे बड़ा ऑर्डर एक बार आया था 13,000 का। अच्छा। जिससे बनाना एक महिला के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर इस तरह से हम ग्रुप में इस काम को करते हैं तो हमें मतलब जल्दी हम लोगों को ये सामान दे पाते हैं। मतलब आप सरकार के इस काम से बहुत खुश है? हम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें अपने मतलब हम आज सेल्फ डिपेंड है, अपने पैरों पे खड़ी है, मुसीबतें तो सहन करनी पड़ती है, लेकिन फिर एक समय आता है कि हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसमें तब लोगों के मुंह भी बंद हो जाते हैं, फिर वो लोग दूसरी तरफ से आ जाते हैं, हमें पता था ये कुछ करेगी आगे बढ़ेगी, वही चेंज हो जाती है उन्हीं लोगों की, मतलब जो पहले रोकते हैं बाद में वो बोलते भी हम तो बहुत हमें प्राउड फील हो रहा है कि ये करते हैं। यानी ग्रामीण महिला होना भी आसान काम नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बहुत मुश्किल है गांव से महिलाओं को उठना, सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं महिलाओं को आती है। मगर आप इतना अच्छा काम कर रही है, लोग सारी महिलाओं को सिखा रही है, इसमें आपकी तारीफ तो बहुत बनती है। थैंक यू, पर इसमें मैं यही कहूँगी कि जो हमारे सरकार की तरफ से जो स्कीम है और हमारे स्पेशली मैं तो अपनी जो हमारी मैम है कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर प्रेमलता मैम, जो आके हमें सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और वो और कामों के लिए जिस तरह से मैं ये कर रही हूँ कुछ महिलाएं और काम करती है, उन्हें भी वो आके खुद समझाते हैं और आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, और कुछ खास चीज़ें हो आपकी
इन चीज़ों के अलावा क्या और आपने और कुछ खास बनाया हो? अभी बनाया तो बहुत कुछ है, लेकिन जो एक महीने में इनको सिखाया गया वो इतना ही है। पर ये महिलाएं भी बहुत अच्छी है जिन्होंने एक महीने में इतना सारा बना दिया। अभी तो बहुत कुछ सिखाने के लिए है, जैसे फ्लावर पॉट है और फिर हमारे फ्लावर पॉट के साथ साथ बड़ी टोकरी है, जो फ्रूट की टोकरी होती है बड़ी बड़ी। अभी तो बहुत कुछ सिखाना बाकी है। इसके बाद हम शीशे भी बना सकते हैं, कॉम स्टैंड है, पेन स्टैंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इनको नहीं। हम तो यही कहेंगे कि चलो ये तो हमें पता है कि इससे आगजनी घटनाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जितने भी टीवी के हॉस्पिटल हैं ज़्यादातर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ये चीड़ के पेड़ होते हैं। और इसमें हमने बुजुर्गों से भी ये बात सुनी हुई और ज़्यादातर यही कहा जाता है कि इससे हमें जो सांस की दिक्कत होती है ना, जैसे टीवी पहले तो ऐसा था कि टीवी कितनी भयंकर बीमारी थी जिससे हम एक दूसरे को छू भी नहीं पाते थे, लेकिन ये पत्तियाँ इतनी लाभदायक है कि उस बीमारी से हमें दूर रखती है, वो बीमारी हमारे नज़दीक नहीं आ पाती अगर हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे इसको ये चपातियाँ, अगर हम इसमें चपाती रखते हैं तो ये बहुत लाभदायक है कि हम इसकी चपातियाँ खा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इससे हमें टीवी की बीमारी नहीं होती। ठीक है, यानी कि बहुत सेफ है ये पत्तियाँ। हाँ जी, बहुत सेफ है। ज़्यादातर लोग कॉस्टर यूज़ करते हैं पानी, रात को जैसे पानी के ऊपर ढक दिया, सुबह वही पानी पी लिया। ये चीज़ हमने बहुत जगह देखी हुई, हमें ये ऑर्डर इसीलिए आते हैं कि भाई जिनको टीवी की बीमारी या सांस की प्रॉब्लम होती है वो लोग हमसे इस चीज़ को ज़्यादा लेते हैं। यानी कि हम यही कहेंगे सरकार से कि वो बेशक कम कर दें लेकिन ख़त्म ना करें।